बेटी और बहू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बेटी अगर ससुराल में खुश रहती है तो हमें खुशी होती है, और बहू अगर ससुराल में खुश रहती है तो हमें खराब लगता है। दामाद बेटी की मदद करे तो अच्छा लगता है कि मेरा दामाद हीर का दामाद है, और बेटा बहू की मदद करे तो कहते हैं जोरों का गुलाम हो गया बेटा बहू के पीछे। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख होता है, और बहू अगर बीमार हो जाए तो कहते हैं बहाने तलाश कर रही है कामचोर कहीं की। बेटी अगर कमज़ोर हो जाए तो कहते हैं ससुराल वाले बहुत जुनून कर रहे हैं मेरी बेटी कमज़ोर हो गई, और बहू अगर कमज़ोर हो जाए तो कहते हैं खाती तो बहुत है पर जाता कहाँ है, ऐसे क्यों करते हो भाइयों और बहनों। अगर बहू अकेली ससुराल में काम करे तो अच्छा नहीं लगता, और खुद के घर वो बहू अकेली काम करे तो भी वो कामचोर ही कहलाती है। बेटी की सास और ननंद अगर काम ना करे तो गुस्सा आता है कि मेरी बेटी ही अकेली क्यों, और खुद के घर वो बहू की मदद ना करे तो भी वो सही ही रहता है। बेटी के ससुराल वाले अगर ताना मारे तो गुस्सा आता है, और खुद बहू के मायके वालों को ताना मारे तो सही लगता है। माता पिताओं को बेटी का घर रानियों जैसे रखने वाला चाहिए, और तुम लोगों को बहू काम वाली चाहिए। लोग ये क्यों भूल जाते हैं बहू भी किसी की बेटी है, वो भी अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। बेटियों में ही इतनी हिम्मत है जो दूसरों के घर जाके दूसरों के माता पिता को अपना स्वीकार करती है। बेटों में इतनी हिम्मत नहीं है जो दूसरों के माता पिता को स्वीकार करते हैं। और मैं आपके सामने कुछ दोहे भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत वालों को मिलता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि अक्सर समय आने पर समझ नहीं आता और समझ आने पे समय निकल जाता है। किसी ने सच्ची कहा है जिंदगी सिर्फ दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक पे और एक दिन तुम्हारे खिलाफ पे। जिस दिन तुम्हारे हक पे हो तो कभी गुरूर मत करना भाइयों, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो तो थोड़ी सब्र रखना। कचरे के डिब्बे में गिर पड़ी ये रोटियां राज बयां करती हैं। कचरे के डिब्बे में गिर पड़ी ये रोटियां राज बयां करती हैं। पेट भरते ही इंसान अपनी औकात याद दिला देता है। दुनिया में सबसे